चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, द ट्रैफिक लाइट एट थ्री डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजिंग आफ्टर 24 सेकेंड, 36 सेकेंड एंड 54 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 10 यानी 10:15 AM देन वट दे विल अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। एग्जामिनर ने कहा कि इसमें एग्जामिनर ने कहा कि तीन तरह की लाइट्स हैं, एक 24 के बाद 24 सेकंड के बाद चेंज होती है, दूसरी 36 सेकंड के बाद चेंज होती है और तीसरी 54 सेकंड के बाद चेंज होती है। यदि वो पहली बार एक साथ चेंज हुई होंगी 10:15 AM पे यानी कि सुबह के 10 बजे 10:15 पे, तो अगली बार कितने बजे चेंज होगी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इनका ना एलसीएम निकाल लेना है। इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, आपका ये मेरे पास में आपका 24, ये मेरे पास 36 और ये मेरे पास में 54। तो मैं से लिखता हूँ आपका 9 से 9 6 54, 9 4 36 और 3 8 24, 3 8 24, तो इसका मतलब 3 × 8 ये मेरे पास में क्या आएगा, इतने सेकंड के बाद वो क्या करेंगी एक साथ फिर बिलिंग करेंगी। इसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं मिनट में चेंज करने के लिए, तो ये मेरे पास में 20 पे जाएगा, तो 9 8 72 बटे में कितना हो जाएगा 20, भाग करेंगे तो 3 पर जाएगा और ये 12 बटे में आपका 20 हो जाएगा। इन टू में से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 मिनट और ये 36 सेकंड में ये फिर दोबारा ब्लिंक करेंगे, तो इसमें आप जोड़ दीजिए 3 और 36 यानी कि 10:18 36 सेकंड पे फिर वो दोबारा आप फिर ब्लिंक करेंगे, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इस ट्रैफिक लाइट आए या फिर बेल आए, रिंग बजता हुआ है कि मतलब एक एक जो घंटियां हैं वो 3-4 घंटियां एक साथ कब बजेंगी, वो इतने इतने अंतराल पे बजती हैं, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे पहले देखते हैं उसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पर देखिए वो मिनट में दे रखा है या सेकंड में दे रखा है, अगर वो मिनट में दे रखा है और यहाँ सेकंड में दे रखा है तो 60 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद जो नंबर है उसको जोड़ दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।